हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि बदन का दर्द और उसका इलाज कैसे किया जाए, साइकोलॉजी से, मानसोपचार से। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि जिनको पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है, और सब तरह की जांच करने के बाद में भी उसमें कुछ निकलता नहीं है। जैसा MRI किया, स्कैंस किया, अलग तरह के सब तरह की दवाई खाई, मगर उनका ये जो दर्द है कंधों का या पीठ का या कमर का जाता नहीं है। और इतना दर्द कभी कभी हो जाता है कि उनको सहन होता नहीं है, उनको काम करना मुश्किल होता है। फिर वो ट्रैक्शन लेते कुछ लोग कोई सेक लेते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, और फिर आखिर एक बार मेरे तरफ भेज देते हैं कि भाई आप एक बार देखो, आपके दिमाग के ऊपर कोई स्ट्रेस है क्या, टेंशन है क्या। और फिर वो मेरे पास में आता है। जब आता है तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कॉन्वर्जेशन है। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि गुस्सा करना, द्वेष, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, गुस्सा करना और अपराधीपन की भावना अपने मन में रहना, ये बहुत बड़े डेंजर के कॉन्वर्जेशन है, बहुत धोखे के कॉन्वर्जेशन है। मैं फिर से बोलता हूँ, गिल्ट मतलब अपराधीपन की भावना, रिजेंटमेंट मतलब द्वेष या गुस्सा, या क्रिटिसिज्म मतलब टीका करना, चिढ़ाना किसके ऊपर, मतलब ये जो भावना है जो है, ये बहुत खतरनाक कॉन्वर्जेशंस दिमाग में है। और ये यदि लोगों के ऊपर रहते हैं कि अपने आजू बाजू वाले लोगों के बारे में ये है, और उससे भी ज़्यादा अपने बारे में है, तो वो खतरे के कॉन्वर्जेशन से, खतरे के डायलॉग दिमाग में चलते हैं, खतरे के अंतर्मन में शब्द चलते रहते हैं। हम अपने आप से बात करते रहते, तू इतना अच्छा नहीं है, मैंने ऐसा क्यों किया, या अपन बोलते तूने ऐसा करना नहीं चाहिए था, तो अपने ऊपर प्यार नहीं करता है, तूने फालतू का काम कर दिया, मतलब ऐसा हम अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप के ऊपर प्यार नहीं करते, मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ, मेरे से बार बार गलतियाँ क्यों होती समझ में नहीं आता। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आप आपके ऊपर प्यार नहीं करते हो, आपके ऊपर आप चिढ़, मतलब आपके ऊपर अपने को चिढ़ है, एक प्रकार की गुस्सा है आपके ऊपर, आप अपराधीपन की भावना है अपने मन में, ये अपने आप के ऊपर टीका कर रहे हो, आप द्वेष कर रहे हो, तो ये बहुत बड़े ऐसे कॉन्वर्जेशंस है, मतलब ये भावनाएं हैं, और भावनाएं ऐसे कोई डायलॉग दिमाग में तैयार करती रहती है कि जिससे बीमारियां बढ़ती रहती है। ऐसा बोला जाता है कि भाई आपकी बॉडी में जो भी कोई चल रहा है, जो भी कोई लक्षण है, जो भी कोई तकलीफ है, तो वो आपके कॉन्वर्जेशन कैसे दिमाग में है वो बताती है। जो भी आपको तकलीफ है बॉडी की, और इसमें यदि कुछ निकलता नहीं है या निकलता भी है, तो भी आपके दिमाग के कॉन्वर्जेशंस क्या है वो बताती है कि तकलीफ क्या है। अक्सर ये लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहते, वो अपने पिताजी को मतलब डैडी को या माँ को कोसते रहते हैं, उनको दोष देते रहते हैं कि अभी मेरी कंडीशन है, इसके बारे में वो जवाबदार है, या लोगों को आजू बाजू वाले कोसते रहते हैं। मगर ज़्यादातर उनका ये रहता है कि बचपन से उनको ऐसा लगता है कि हमको जैसा हमारा पालन पोषण करना चाहिए था वैसा उन्होंने किया नहीं है। मैं उनको हरदम बोलता हूँ कि माँ बाप ने जो किया वो किया, उनका जितना दिमाग चल रहा था उतना उन्होंने दिमाग चलाया और आपका पालन पोषण किया, आपको बड़ा किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनकी जितनी क्षमता थी वो जो भी कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। अभी आपको वो बार बार लाने का नहीं है कि मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया, मेरे माँ ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों करना चाहिए, उन्होंने वैसा क्यों करना चाहिए, मतलब ऐसा करने में मतलब नहीं है, मज़ा नहीं है। क्योंकि ये यदि चलते रहता है, माँ बाप के साथ में आपकी रिलेशनशिप, आपके रिश्ते बराबर नहीं है, तो वो बॉडी में आते हैं और वो पीठ दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, सर दर्द, इसमें आता है। काफ़ी सारे लोग अपने आप के ऊपर प्यार नहीं करते। यदि आप आपके ऊपर प्यार नहीं करते तो बाकी लोग कहाँ से प्यार करेंगे, मतलब अपना खुद का स्वीकार नहीं करना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, मैं मेरे ऊपर प्यार करता हूँ।
यदि आप आपके ऊपर प्यार करना चालू करेंगे तो लोगों के ऊपर प्यार करना चालू करेंगे, और फिर लोग आपके ऊपर प्यार करना चालू करेंगे। तो ये भावनाएं देखनी है। तो वो मैं जो हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं उनको ये पहले बोलता हूँ कि तो पहले ये देखो कि आपने आपके मन में अपराधीपन की भावना कौन सी है। नंबर एक, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ये डायलॉग कितना चालू है दिमाग में, अपने खुद के दिमाग में। फिर अपने खुद को आप कितना दोषी समझते हो कोई चीज़ के बारे में, गुस्सा अपने बारे में, लोगों के बारे में कैसा है, आप अपने आप के ऊपर टीका करते हो, लोगों के ऊपर टीका करते हो, और आप अपने ऊपर प्यार नहीं करते। तो अपने को जो भी कुछ है, जो भी कुछ गलतियाँ की हैं, तो अपने आप को पहले माफ़ करो, अपने आप को माफ़ करना सीखो, और दिल से माफ़ करना सीखो। लोगों को माफ़ कर दो, और जब आप लोगों को और ख़ुद को माफ़ करेंगे ना, तो पीठ पेट का दर्द क्या, कैंसर भी ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारी बीमारियाँ, मतलब जनरल प्रैक्टिशनर के पास में जाने वाले 100 लोगों में से 55% लोग, मतलब 55 लोगों को ऐसी बीमारियां रहती है कि जिसका मतलब कोई इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है। उनको नर्वसनेस है, उदासीनता है, उनको कुछ अच्छा लगता नहीं है, और वो सब बॉडी के ऊपर निकलता है। तो मानसोपचार में ये चीज़ ज़रूरी है, और ये यदि 4-5 चीज़ें यदि आप करते हो तो फिर आपके बॉडीली फंक्शंस ठीक हो जाएगी। वैसे एक बहुत बड़ी बात जो है वो है अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन। अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन मतलब खुली बात किसी भी नहीं करना, अपने आजू बाजू वाले लोगों के बारे में अपने दिमाग में ऐसी बात रखना कि जो मैं खुले दिल से बोल नहीं सकता उनसे, उनके बारे में अपने मन में ऐसा चालू रखना कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, और फ्रीली बात नहीं करना। उससे भी फिर गुस्सा आते रहता है, लोगों के ऊपर गुस्सा आते रहता है, अपने ऊपर गुस्सा आते रहता है, रिलेशनशिप में दरार आती है। तो लोगों से खुली बात करो, उनको उनका इंसल्ट नहीं होगा, उनको बुरा नहीं लगेगा, इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हो। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप लोगों से कुछ सपोर्ट मांग सकते हो, जो भी आपके मन में है वो उनको गुस्सा ना आते हुए आप उनके साथ में सीधी बातचीत करके आप व्यक्त कर सकते हो। तो वो यदि आप करते हो तो आपके आसपास में कोई बीमारी रहेंगी नहीं। आपके संपर्क में काफ़ी सारे लोग आते होंगे जिनको पीठ का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द है, और वो डॉक्टर टू डॉक्टर घूम रहे, काफ़ी सारी दवाइयाँ खा रहे, काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस कर रहे, और उसमें कुछ निकलता नहीं। यदि उनको ये आप वीडियो भेजेंगे ना, और वो यदि सुनते हैं ये वीडियो, और मैंने जैसा बोला पहले वैसा यदि वो करते हैं, तो डेफिनेटली उनके काफ़ी सारे दर्द निकल जाएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। तो ये वीडियो जरूर शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ आते जाएंगे आपको हर हफ्ते में अलग अलग विषयों के ऊपर, तो वो भी आपको इंटीमेशन आते जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करो, और वो बेल आइकॉन आएगा उसके ऊपर हिट करो। थैंक यू वेरी मच।